अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स? तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, पीके अल्लाह पाक के फजल से बिल्कुल ठीक है। और दुआ गो है अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह पाक हर रहमतें हर मुश्किलें आपकी आसान करे फ्रेंड्स, और आपके बच्चों को हमेशा तरक्की की राहों पे गामजन करे। तो फ्रेंड्स, आज पीके आपके लिए लेके आया एक नई रेसिपी। तो ये नई रेसिपी क्या है? ये है सरदाई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन सरदाई, गर्मी का तोड़। फ्रेंड्स, जो मेरे भाई यो बहन भाई जिन्होंने होटल या कोई ढाबे वगैरह लगाए हैं या जो कारोबार करते हैं, उनके लिए तो ये एक ख़ास चीज़ है। जैसे अभी सीज़न है गर्मी का, हर बंदा गर्मी से परेशान है तो ठंडी चीज़ें भी खाता पीता है, तो इसके लिए ज़रूरी है सरदाई। फ्रेंड्स, तो सरदाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी पीके आपको बताएगा फ्रेंड्स। तो याद रखें फ्रेंड्स, बुज़ुर्ग जो हैं बड़े लोग कहते थे दवाई, हम कहते हैं सरदाई। सरदाई और दवाई, सोचने वाला बंदा तो सोचता है कि दवाई, ये तो सरदाई है, बादाम है, ये कैसी दवाई है फ्रेंड्स? ये वाकई दवाई है। तो अभी दिखाता है पीके आपको, देखें। तो फ्रेंड्स देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बादाम, खसखस, चारों मगज, ये हैं पावर के लिए, ताकत के लिए, खुश्की के लिए, खत्म कर देंगे खुश्की, दिमागी कमजोरी दूर, बंदा हो जाएगा फ्रेंड्स जहीन, इतना जहीन सबक याद करेगा एक मिनट में याद होगा, हाफज करेगा तो हिफज फौरी याद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डांट नहीं पड़ेगी उसको, जहीन बन जाएगा। मेरे भाइयों, कारोबारी हजरात, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आप 3 महीने का ये सीज़न है, 4 महीने का आप बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, अभी ये जो है हमारी काली मिर्च, और ये हमारी सौंफ, और ये अजवैन, ये तो बाबादी री के लिए बेहतरीन तोहफा है। ये तो सोने से भी बराबर, आपको कोई दे तो आप ले लेंगे, इतने इसके माशाल्लाह फायदे हैं फ्रेंड्स। आपको कोई बंदा एक तरफ सोना हो और एक तरफ ये हो तो आप ये उठाएंगे, क्योंकि ये सेहत का राज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हम लगाएंगे जायके के लिए, खुशबू के लिए, छोटी इलायची। छोटी इलायची से आपको दिल की तस्कीन मिलेगी। बादाम और जो चारों मगज और खसखास, इससे आपको ताकत मिलेगी। और बाकी जो 3 चीज़ें हैं, जिसमें अजवैन, सौंफ और साथ इसके है हमारा काली मिर्च, ये घबराहट और जो उल्टी वगैरह कह आती है उसके लिए भी बेहतरीन है। रीवा आपके जोड़ों से खींच लेगी फ्रेंड्स। तो अभी ये सारा प्रोसीजर पीके आपको करके दिखाएगा। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रेंड्स, या रात को इसको पानी में भगो दें, सुबह उठ के आराम से नमाज के बाद घोटा लगाएं और छान के पी जाएं। बच्चे बड़े छोटे सब अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स, और खाना भी अच्छा खा होगा। तो अभी हम 3-4 घंटे के लिए इसको भगोएंगे पानी में। ये सारा प्रोसीजर पी के आपको, अपने बहन भाइयों को, सबको, दोस्तों को बताएगा इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो है मिट्टी की है, ये चाती इसको बोलते हैं, कोई घड़ी बोलता है, इलाकों के फ्रेंड्स हिसाब से इसका, कोई मिट्टी वाला बर्तन कहता है, इलाके इलाके के हिसाब से इसके नाम है। तो अभी हम सब चीज़ें, ये देखें फ्रेंड्स 7 चीज़ें हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 चीज़ें अभी हम इसको भगोएंगे, और जब हम इसको घोटा लगाएंगे तो उसमें फ्रेंड्स हम डालेंगे गुलाब की पत्तियां। खुश्क मिल जाएं तो ठीक है, अगर ताज़ा मिल जाए तो क्या बात है, उससे फ्रेंड्स आपके होंठ, आपका कलर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बिल्कुल कलर भी साफ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी हम भगोते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें पानी में भगो दी हैं।
अभी ये सारी पानी चूसेंगी जो इसके अंदर गर्मी है, सारी रफू चक्कर हो जाएगी। उसके बाद हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह घोटा लगाएंगे और मजे मजे से पियेंगे चीनी डाल के। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने भिगोए थे बादाम और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम इसमें ताज़ा पानी डाल के इसको छानेंगे और हम इसको कुंडी में डाल के इसको घोटा या रगड़ा लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही इंजॉय करते रहें, ये बहुत ताकत वाली और बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा ताज़ा पानी डालेंगे। फ्रेंड्स अभी हमारी गुलाब की पत्तियां रेडी हैं और हमने वो छान लिया सारा सामान, देखें। तो अभी हम ये गुलाब की पत्तियां भी इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स ये देखें, अभी जो ये बादाम हैं इनके ऊपर से हम कवर उतार देंगे क्योंकि ये भगोए हुए हैं, बिल्कुल नरम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अभी ये उतर गया, उतर गया। एक मिनट लगता है क्योंकि ये भगोए हुए हैं, बिल्कुल नरम है। ये देखें, ये देखें अभी उस साइड से निकल गया। वैसे भी स्लो स्लो जो है, ये जो मोटे मोटे हैं बादाम की गिरियां या काली मिर्च, इनको आहिस्ता आहिस्ता पीस लें पहले। ये देखें, आप चाहें तो गुलाब की पत्तियां पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले डालने से यह होता है कि साथ ही इसका पूरा असर निकल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें परिंदे कैसे चहक रहे हैं। फ्रेंड्स जैसे थोड़ा घोटने के बाद थोड़ा सख्त हो तो हल्का सा पानी लगा दें। ये देखें अभी हल्का सा पानी लगाएं।
रेडी है। तो अभी हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसमें डालूँगा 3 चम्मच। थोड़ा सा डालेंगे पानी, ये साथ ही मिक्स हो जाएगी। तो फ्रेंड अभी ये साइड पे लगी है, इसको आराम से उतार लेंगे। अभी ये कपड़ा लेंगे, आप चाहें तो आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, जालीनुमा कपड़ा भी ले सकते हैं। सरदाई का मिक्सचर है, इसको अच्छे से हिलाएं ताकि अच्छे से ये नसार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ा सा इस पर पानी डालेंगे सादा, ताकि इसके अंदर जो असर है वो बाहर आ जाए। तो ज़्यादा ठंडा फ्रेंड्स आपको चाहिए तो आप इसमें आइस भी डाल सकते हैं। मैंने ठंडा आइस वाला पानी डाला इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह चाचा जी आज आए हैं हमारे पास। तो अभी चाचा जी को सरदाई चेक करवाते हैं कैसा बना इसका टेस्ट। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा जी लें। जी चाचा जी कैसी बनी सरदाई? बहुत शानदार माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी सरदाई बनी है। चाचा जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गए हैं।
फ्रेंड्स हमेशा बुजुर्गों की, बड़ों की इज्जत करें और उनकी दुआएं लेते रहें। इंशाल्लाह इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं से हम और हमारे फ्रेंड्स सब हम कामयाब होंगे। ये दुआएं हैं फ्रेंड्स जो हर मुश्किल आसान करती हैं। वक्ती हमको लगता है कि पता नहीं ऐसा जैसा वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये बुजुर्गों की दुआएं हैं जो इंशाल्लाह हमको कामयाब करती हैं। तो बुजुर्गों की दुआएं हमेशा लेते रहें फ्रेंड्स, अपना और अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखें। इसी के साथ पीके को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।